बीते कई दिनों से विवादों में चल रही गोरखपुर क्रिकेट एसोसिएशन की जिलाधिकारी ने निष्पक्ष जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बताते चले कि जेसीए के सचिव और संयुक्त सचिव पर ट्रायल के दौरान भ्रष्टाचार का आरोप खिलाड़ियों और अन्य संस्थाओं ने लगाया था। आरोप यह है कि खिलाड़ियों से फिटनेस टेस्ट और ट्रायल के नाम पर धन उगाही किया जाता है, जिसकी शिकायत खिलाड़ियों द्वारा जिला अधिकारी से की गई और जिलाधिकारी ने क्रीड़ा अधिकारी को निष्पक्ष जाँच के लिए सौंप दिया। इस संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि खिलाड़ियों से मिलकर सच्चाई की जांच की जाएगी, जिसमें लगभग 5 से 7 दिन का समय लग सकता है, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी गोरखपुर मंडल अरुणेंद्र कुमार पांडे ने कहा, अब कुछ खिलाड़ियों की शिकायत है कि उनको बिना सूचना दिए ट्रायल ले लिया गया, जिसको उन्होंने जिलाधिकारी महोदय को शिकायत किया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे आदेश दिया गया है कि इसकी जांच करने की आख्या दें। वो एक ऑल इंडिया संघर्ष क्रिकेट संघर्ष समिति बनी है, उनके जरिए उन्होंने अपने लेटर पैड पर यह शिकायत की है और उनसे संपर्क करके दोनों पक्षों से बात करके तत्काल जांच करके इस पर जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। तो कब तक ये संभव हो जाएगा सर? अब समय तो तत्काल बताना संभव नहीं है, क्योंकि जिनसे अभी संपर्क किया गया कुछ लोग बाहर हैं जो शिकायत करता है, उनके आने के बाद ही इस पर बातचीत हो पाएगी। फिर भी 4-5 दिन का समय तो चाहिए। ठीक है।